गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः सः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपसे बात की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हमें अपने अंतर मन को एक ढांचे के अंदर, एक आकार के अंदर ढालना होगा। उस आकार में ढालने के लिए हमको साधना करनी होगी। वास्तव में साधनाएं क्या हैं? अपने मन की गलाई और ढलाई है। तुम अपने मन के जैसे विचार करते हो वैसे ही तुम्हारी प्रकृति ढलती हुई चली जाती है, तुम वैसे ही बन जाते हो। इसलिए क्यों ना ऐसे विचार करें? कैसे विचार करें? जैसा तुम बनना चाहते हो, तुम्हारी अंतर चेतना जिस चीज को स्वीकार करे वैसे बनो। मन की भावनाओं का असर जीवन के कार्यों पर पड़ता है। मन की भावनाओं का असर जीवन के कार्यों पर पड़ता है और कार्यों का प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है। अक्सर देखने में आया है जो व्यक्ति नकारा हो जाते हैं उनके शरीर जकड़ जाते हैं, मन भी जकड़ जाता है बुराइयों से। इसलिए उनका प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। यदि तुम अपने शरीर को उन्नत बनाना चाहते हो तो जीवन की गतिविधियों का महत्वपूर्ण भाग आपको उन्नत कार्यों के अंदर लगाना पड़ेगा। निवेदन किया जा रहा है पत्ते पत्ते पर मत भटको, जड़ को तलाश करो। जीवन की संपूर्ण संपदाओं का आधार मन है और उस मन का कार्य विचार करना है। छोटी परिस्थितियां हो तो भी कुछ हर्ज नहीं है। विचार को उच्च रखो। अपने विचार को उच्च रखो। स्वार्थ, कपट, ढोंग, हिंसा के जो विचार आते हैं वो अपने शत्रु हैं। बताओ कौन समझदार व्यक्ति कहा जाएगा जो अपने शत्रुओं को पाल करके रखता हो? उस व्यक्ति को आप समझदार कहेंगे
जो अपनी कमाई को अपने शत्रुओं को खिला रहा है। हमारे विचार में सबसे बड़े शत्रु यही छल कपट हैं। धरती पर सांप, शेर, उनसे दूर रहना पड़ता है। इसी तरह बुरे विचारों से दूर रहो। परोपकार, प्रेम, दया और त्याग के शुभ विचारों से अपने हृदय को भरपूर भर करके रखो। किसी की सक्रिय सहायता अगर ना भी पड़े और आप किसी की सहायता ना कर सकें, तो भी दो बूंद सहानुभूति के रूप में आंसू तो गिरा सकते हो। उतना ही हृदय विशाल बनता चला जाएगा और अधिक विभूतियां परमात्मा द्वारा आपके जीवन में भर दी जाएंगी। मैंने कल कहा था जो साधन सात बिंदु बताए थे उनकी साधना का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अब इस बारे में बात करेंगे। अंतर मन के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष क्रियाओं को अपनाने की जरूरत है। ये पिछले प्रवचनों में आपको स्पष्ट किया जा चुका है। व्यवहारिक रूप से जिन क्रियाओं का आयोजन हम करते हैं उनकी छाप हमारे मन के भीतरी प्रभाव भीतरी क्षेत्र पर जाकर के पड़ती है। जो हमारा अंतर मन जिसको बताया था उसका प्रभाव उसके ऊपर जाकर के पड़ता है। धीरे धीरे हमारी अभिरुचि जगती है और अभ्यस्तता उसी क्षेत्र में परिपक्व होती हुई चली जाती है। मनुष्य ढांचे में ढलता चला जाता है। वही व्यक्ति के जीवन की गलाई और ढलाई कही जाती है। कह देना बहुत आसान है कि अपने विचारों को आप आत्मा के अनुकूल ढाल लें, कह देना बहुत आसान है। इसलिए कर्म के द्वारा उनको एक व्यवहारिक रूप दिया जाता है। मनुष्य जिस ढांचे में ढलता चला जाता है, अध्यात्म विद्या के जो आचार्य हैं उन्होंने इसी को ही योग साधना ही कहा है। इस मार्ग के पथिकों को साधना में प्रवृत्त होने का आदेश दिया है। हमारी मानसिक कमजोरी है, इंद्रिय सुख
अध्यात्म विद्या के जो सात बिंदु आपको बताए गए, इन सातों को हर कसौटी पर कस करके इनकी महत्ता का परीक्षण आपको करना होगा। इन तथ्यों का विस्तार आपको अपने जीवन में करते हुए अपने समाज में सुख शांति और समृद्धि सद्भावना में बढ़ोतरी करनी होगी। व्यक्ति के ऊंचे चरित्र के रूप में उठते हुए जब व्यक्ति चरित्र के रूप में ऊंचा उठने लग जाता है अपने चिंतन के माध्यम से, उससे लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टियों से ऐसा करने वाले को लाभ रहता है। आप तोल करके देख लें, व्यक्ति और समाज दोनों का ही इसमें कल्याण है। उस विचारधारा के ढांचे में मनुष्य को ढालना हर दृष्टि से कल्याणकारी है। हम कल्याण के पथ पर इस जन्म को, मनुष्य के जन्म को पा करके ईश्वर की तरफ से आरूढ़ किए गए हैं। उसका असर हमारे ऊपर हो और उस असर को करते हुए हम अग्रसर होते चले जाएं, परमात्मा की और आत्मा की प्रसन्नता संतुष्टि इसी में है। और यही सबसे बड़ा लाभ अपने जीवन का हो सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योग शास्त्रों में विभिन्न आध्यात्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी उन्हीं के अंतर्गत हम सबको भी बांध करके रखा है। पीछे जो बताए गए सात बिंदु हैं उसको हमें केंद्र बनाना होगा और उस केंद्र को बना करके हमारी व्यवहारिक दैनिक जीवन के जो क्रियाकृत्य हैं उसी के इर्द गिर्द घूमते रहें। सात के सात बिंदु किसी ना किसी रूप में कर्म के रूप में हमारे अंदर व्यवहारिक रूप में झलकें। ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं और यही वास्तव में सच्ची साधना है। उनका व्यवहारिक रूप हमारे जीवन में आ जाए। जैसे सात सुरों के अंदर सारा संगीत सिमटा हुआ है, ऐसे ही इन सात बिंदुओं के अंदर हमारा संपूर्ण जीवन इन्हीं के अंदर समाहित है। सात बिंदुओं में व्यवहारिकता की बात मैं आपसे करूंगा। पहला बिंदु जो बताया था वो आस्तिकता बताया था, आस्तिक बनना। ईश्वरीय विश्वास मन के ऊपर जब जमने लग जाए और दृढ़ होने लग जाए तो भगवान की पूजा उपासना की अनेक विधियां जो आज काम में लाई जा रही हैं, जिनमें धातु की या पाषाण की मूर्तियां भी रखी जाती हैं,
और उन धातु और पाषाण की मूर्तियों में अपने विचारों का प्रत्यारोपण किया जाता है। मैंने कल भी आपको बताया था, ये विचार ये विश्वास, अभी मैं आपसे व्यावहारिक जीवन की बात कर रहा था। मैं आपसे कहता हूं, अपना कोई भी एक रिश्ता ले लीजिए, माँ बेटा या माँ बेटी आप हो सकते हैं, क्या आपकी माँ आप पर पूर्ण विश्वास करती है? अंदर से झांक करके देख लीजिए। अगर आप अंदर से झांक करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं धोखा दिखाई देगा। जब चैतन्य मां के प्रति उसकी संतान का व्यवहार इस तरह का है, तो धातु और पाषाण से बनी हुई मूर्ति पर विश्वास कैसे जम सकता है? हम पूजा पाठ करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम आरती करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम स्नान कराते हैं, हम दीप चंदन आरती भोग ये लगाते हैं। इन क्रियाओं के द्वारा हम उस विराट भगवान की आराधना करते हैं। कल मैंने बुगला भगत की बात कही थी, तरह तरह के बाने बनाने वाले, तरह तरह की बातें भगवान को मनोहार के रूप में चढ़ाने वाले और सचमुच ईमानदारी से चढ़ाने वाले, जो अपने जेब की दौलत को चढ़ाते हैं, जो तरह तरह के मिष्ठान पकवान और फल चढ़ाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, परंतु फिर भी बुगला भगत बन करके रह जाते हैं। भगवान के नाम पर मंदिर भी बंगलों की तरह से बनाए जाते हैं, उनकी विशेष सजावटें करते हैं, मथुरा वृंदावन में सावन के महीने में झूलों के बड़े बड़े उत्सव और समारोह होते हैं, रथ यात्रा, दीपदान, लीला, अभिनय आदि की जितनी भी क्रियाएं भगवान के द्वारा की गई हैं उनको करते हैं। रासलीला, रामलीला हम लोग करते हैं, उसके माध्यम से भगवान के चरित्र का चित्रण समाज में व्यवहारिक रूप में करके दिखाते हैं। भगवान के चरित्रों की स्मृति जागृत की जाए, उसके लिए बहुत से धनवान जिज्ञासु परिश्रमी अपनी अपनी विभूतियों को इस कार्य के लिए लगाते हैं। परंतु आप देखते होंगे, परमात्मा के प्रतिनिधियों के अवतारों और देवताओं के चित्र स्थापित किए जाते हैं। नवदा भक्ति 9 प्रकार की होती है। नौ प्रकार की कौन सी होती है? श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन करना यानी के पैरों की पूजा करना। पैरों की पूजा से मतलब है हम
इस तरफ तो नहीं करते हैं, इलाहाबाद की तरफ मैं जाता हूँ, जो हमारा कोनिया क्षेत्र है उसमें मैं जाता हूँ, तो वहाँ के परिजन एक थाली या परात में जल ला करके पैरों को धोते हैं। पद सेवा, पैर दबाते हैं, मालिश करते हैं, अर्चन और वंदन, दास साख्य आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है, जिसकी साक्षात मूर्ति या प्रतिमा कहिए सबरी थी। उसने 9 प्रकारों को अपने जीवन में अपनाया। और भगवान को खींच करके बुला लिया। भक्त लोग भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। उसके लिए आयोजन और साधन भी जुटाए जाते हैं। प्रोग्राम होते हैं, उनमें संगीत की व्यवस्था भी बनाई जाती है। और बहुत सी जगह तो मैंने कल भी शायद या कल ये परसों कहा था, पुराणों का उद्देश्य, भागवत का उद्देश्य कितना ऊंचा है, परंतु वो आज नाच गानों का उद्देश्य मनोरंजन के रूप में पूरा करने का साधन बन करके रह गया है। संकीर्तन होने चाहिए, विमोहित करने वाली ध्वनियों को पैदा किया जाए, जो हमें अंदर से तरंगित कर दें। भावनाओं को जगाया जाए, ध्वनि लहरों में मनुष्य झूमने लगे, उस तरह के संकीर्तन किए जाए। जप, ध्यान, नाम स्मरण में कितने ही साधक और आप सबको मैं कह रहा हूं प्रवृत्त रहते हैं। इस प्रकार की साधनाएं जो कराई जाती हैं, वो अपने आस्तिक स्वभाव को जगाने के लिए की जाती हैं, अपनी भावनाओं को परिपुष्ट करने के लिए की जाती हैं। इन क्रियाओं के करने से, लगातार ईश्वर के विषय में चिंतन करने से, चित्त पर उसका प्रभाव पड़ता रहता है। और चित्त पर प्रभाव पड़ने से व्यक्ति इस बारे में सोचने के लिए मजबूर होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। आदमी में वो सोच पैदा होती है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। व्यक्ति में एक समझ उभर करके आती है, व्यक्ति में एक धैर्य उभर करके आता है। व्यक्ति जिस काम को करता है सोच समझ कर करता है। हमें अपने व्यावहारिक जीवन को आस्तिकता के रूप में
इस बात से ओतप्रोत करना पड़ेगा कि जिससे हम भगवान के विश्वास को जीत सकें या भगवान हम पर विश्वास कर सकें। जिंदगी में विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी है। जानते हैं, आदमी जिस पर विश्वास करता है वो ही धोखा देता है। आज जो हमारे सबसे नजदीक के रिश्ते हैं, आज वो धोखे के कारण बन रहे हैं। जिसके कारण संबंध खराब होते हुए चले रहे हैं। अपनी भावनाओं को पुष्ट करना है, विश्वास का घी उनको खिलाना है। मान लेता हूं कि आपके द्वारा अपने ही रिश्तों का पोषण नहीं हो रहा है तो भगवान के रिश्तों का पोषण कहां होगा। मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में आप लोगों को एक बात कही थी, एक ही विषय पर अलग अलग पांच व्यक्तियों से सलाह ली जाए तो उनकी सलाह बहुत थोड़ी सी मैच करेगी, नहीं सबकी सलाह अलग अलग होगी। अपनी अपनी सोच के कारण। इसलिए आदमी जितनों से सलाह करता है उनसे सबसे सार निकालता है, फिर अपनी इच्छा से चलता है। भगवान के सामने जाकर के भी व्यक्ति अगर धोखा करे, यानी के धोखे के विचार, कपट के विचार, दुराव के विचार, वो वहां पर पैदा हो। वैसे तो मंदिरों की सजावट कर रहे हैं, उन्हें बंगले के रूप में बना रहे हैं, परंतु अपने आप को अपने अंदर से देखेंगे कि हम अपने आप को क्या बना रहे हैं। क्या हमने अपने आप को सजाया? याद रखना, जब एक ही विषय पर विचार करने से सबके विचार अलग अलग होते हैं, एक व्यक्ति जो अनेक रिश्तों से बंधा हुआ है, आज के समय पर सबके स्वार्थ भी अलग अलग हैं। इसलिए आज के इस समय पर भगवान के कार्य में भी, भगवान में भी एकता पैदा नहीं हो पाती। मैं गुप्ता जी अभी बात कर रहे थे, दो चार दिन पहले की बात है, शुरुआत की थी, चार व्यक्तियों को साथ लेकर के चले थे और मैं उनसे कह रहा था, परिवार इतना बड़ा है, सब उसके सदस्य हैं, परंतु प्रबंधन हर किसी को नहीं दिया जा सकता। बात सबकी सुनी जाएगी, परंतु सबकी बात को माना नहीं जा सकता। अगर सबकी बात को माने तो उतने ही भगवान बनाने पड़ेंगे जितने व्यक्ति, उतने ही रास्ते अपनाने पड़ेंगे जितने व्यक्ति, पूजा के उतने ही तरीके बनाने होंगे जितने व्यक्ति,
क्योंकि हर कोई अपने अहंकार का पोषण करना चाहता है। मैंने उन्हें कहा था कि हम चार व्यक्ति चले हैं परंतु मिलकर के चलेंगे, एक एक दिशा को एक एक व्यक्ति संभाल करके रखे, अपने क्षेत्र में मैं किसी बुराई को घुसने नहीं दूंगा। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र को संभाल करके रखे, मैंने अभी कहा था अगर वो विचारधारा पनपने लग गई, शुरू में मैंने कहा था विचार का प्रभाव केवल हमारे मस्तिष्क पर ही जाकर के नहीं पड़ता है, शरीर पर भी पड़ता है और मन पर भी पड़ता है। चलना तो एकांकी होता है पर साथ देने वाला कोई मिल जाता है, एक मत एक विचार हो करके तो क्षमताएं अनंत गुणी हो जाती हैं। किसी को भी छोटा और किसी को भी बड़ा नहीं मानना चाहिए, सब बराबर है। प्रलोभन व्यक्ति के में होता है तो पिछले दिनों बताया गया था, ऐसा व्यक्ति पैसे से हर चीज को तोलता है, पैसे से हर चीज को तोलता है, परंतु आदमी का जो वजन है वो पैसा नहीं है, आदमी का वजन है चिंतन और चरित्र। और चिंतन चरित्र का भी जो आधार है वो है विश्वास। मेरा ये मानना है कि भगवान अगर किसी को कुछ भी देता है तो उसको ठोक बजा करके देता है, ठोक बजा करके देता है। हम भगवान की आराधना करते हैं, उपासना और साधना ये तो अपनी होती है, भगवान के गुणों का अवलंबन उपासना, उनको अपने जीवन में उतार लेना साधना। अब यहां से जीवन समाज की सुख शांति, परिवार की सुख शांति के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो व्यवहारिक जीवन है उसको आराधना कहते हैं। स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलना, वहां पर आस्तिकता जाकर के जगती है। आस्तिकता मतलब विश्वास जगता है। तरह तरह की शुरुआत की गई है शरीर और मन के पोषण के लिए। किसी तरह से इनका पोषण हो सके ऐसी शुरुआतें की गई हैं। इन क्रियाओं को लगातार कह तो सबको रहा हूं पर उन चारों पर जोर दे रहा हूं। ये ईश्वरीय आधार पर चलें और ईश्वरीय आधार पर चलाने के लिए मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है, मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है, बस ये धारणा अपनी बना करके रखें।
क्रियाओं को करने का उद्देश्य एक हो जाएगा कि गुरु के विचार को हमको संतुष्ट करना है। और फिर से बताता हूं, कोई भी चीज बाहर नहीं है, आपका गुरु भी आपके अंदर बैठा हुआ है। अगर आपने अपने गुरु का पोषण किया तो आपका गुरु आपके अंदर क्रियाशील हो जाएगा। कल न्यू अशोक नगर में तर्पण का प्रोग्राम करा रहा था, मैंने वहां पर एक प्रवचन में बताया था, राम अब से 7,500 साल पहले हुए, पर होकर के छुप गए, सारी विशेषताएं छुप गईं। तुलसीदास के जीवन में, तुलसीदास का शुरू का जीवन देखेंगे, जब उनको फटकार लगी उनकी पत्नी की और उनका जीवन बदला, तो उनके जीवन में राम प्रकट हो गया। कितने साल बाद? 7,000 साल बाद, 7,000 साल बाद तुलसी माध्यम बने, राम ने अपनी पोल खोल दी, जो इस कलयुग में पूरी दुनिया में छा गई। समाज का उद्धार हो रहा है, राम का नाम लेने से समाज का उद्धार हो रहा है। तरह तरह के संगठन बन रहे हैं, रामचरितमानस के संगठन बन रहे हैं, राम मंदिर के संगठन बन रहे हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, रथ यात्राएं भी निकाली जाती हैं, मंदिरों को भी बंगलों की तरह सजाया जाता है। आवश्यकता है उन विचारों को सजाने की जो समाज में सुख शांति को पैदा कर सकें। आज उन भावों को पुष्ट करने की आवश्यकता है। व्यक्ति के व्यवहार में, विश्वास में वो चीज कूट कूट करके भर जाए। आज उसकी आवश्यकता है। इस विषय में हम सबको मिलकर के सत्य के आधार पर विश्वास को बनाने के लिए सामूहिक प्रयत्न करना पड़ेगा। और उस सामूहिक प्रयत्न को करने के लिए देसी दवाइयों का प्रयोग हम लोगों ने शुरू किया है। उसका उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मन का स्वास्थ्य भी है। हम अपने परिवार का विश्वास जीत सकें, मैंने कल भी आप लोगों से, कल या परसों भी आप लोगों से कहा था, एक बच्चे की शराब छूटी और उसमें एक जोश जगा, मैं तो उन सब की छुटाऊंगा जो मेरे संपर्क के हैं। बताइए, समाज में सुख शांति का माहौल बनेगा या नहीं बनेगा? अगर सब की छूटती जाएगी, एक क्रम चल गया, एक क्रम चल गया, समाज में विश्वास पैदा होगा, दवाई से ज्यादा विश्वास काम करेगा। हमें उन परिस्थितियों को समाज में पैदा करना होगा और इसी को कहते हैं आस्ते, आस्तिकता, विश्वास, इसी को कहते हैं। जान लेना, विश्वास सबसे बड़ी दौलत है।
हमें किसी के विश्वास को तोड़ना नहीं है। अगर हमारा कोई स्वार्थ आ गया तो हमारा विश्वास जाता रहेगा। हमें अपने विश्वास को बनाना है। ये पहले बिंदु का व्यवहारिक रूप है। इसलिए इस व्यवहारिक रूप को हमेशा अपनाएं। जितनी दवाइयां हैं वो समाज के लिए अभी नहीं बनाई गई हैं, परिवार में भी कुछ ही व्यक्तियों को दी गई हैं, जिससे एक वृत्ति जगे और ये फला ठीक हो गया उसका भला हो गया, फला ठीक हो गया उसका भला हो गया, हमारा ये विश्वास सबका आपस में जगे और हम भटकने के बजाय एक केंद्र पर समाहित हो जाएं। मैंने अभी कहा था भगवान के मंदिर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं कि सारा समाज एक भगवान पर आकर के केंद्रित हो जाए और उसी में सब समा जाएं। हमारा चिंतन और चरित्र उसी तरह का बने, यही उद्देश्य है। आओ साथ दो, हम आपस में एक दूसरे का विश्वास जीत सकें। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी तक जिन जिन व्यक्तियों को दवाइयां दी गई हैं, उन्होंने ली हैं, अगर वो उन दवाइयों को खा करके सोए हुए हैं, अपने मतलब का मतलब निकाल रहे हैं, तो आप उनको क्या कहोगे? स्वार्थी, धोखेबाज? क्या क्या लांछन उन पर लगाओगे? क्या विश्वास जगा उससे? मैं उत्साह भर रहा हूं, आओ मिलकर के जिनको फायदा हो रहा है वो समाज को बताओ, खूब बताओ। अगले दिनों मैंने कहा था अभी हम पहली बच्चे वाली अवस्था में हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, किसी का सहारा लेकर के खड़ा होता है। हम ये चाहते हैं कल हमारा हर परिवार का परिजन अपने आप में एक समर्थ सत्ता के रूप में हो, शरीर से भी और मन से भी, दोनों से वो परिपुष्ट हो। ऐसा हम चाहते हैं और उसके लिए सबको मिलकर के एक दूसरे का साथ देना होगा। सबको मिलकर के एक दूसरे का साथ देना होगा, इन बुराइयों को भगाने के लिए एक दूसरे का साथ की आवश्यकता है। आप तोल लीजिए, आपका अकेले का काम चल रहा होगा, स्वार्थ में तो अकेले का ही काम चलता है। परंतु मैं आपसे कह रहा हूं, समाज में सुख शांति सौहार्द अगर लाना चाहते हैं, परिवारों में स्वर्गीय स्थिति पैदा करना चाहते हैं, तो विश्वास को जीतना होगा, विश्वास को जीतना होगा। और विश्वास केवल काल्पनिक क्रिया नहीं है, ये चरित्र पर निर्भर करता है, चरित्र निष्ठा पर निर्भर करता है। इसलिए चिंतन में कोई भी विकार विचार का ना आए, चिंतन को बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरा रखना है। समय हो चुका है, आज की बात को मैं विराम दे रहा हूं। कल दूसरा बिंदु तत्व दर्शन चलेगा। आज का जो बताया गया है उसका व्यवहारिक रूप निकालने का प्रयास करें।
हर पुसात के सात बिंदु आपके जीवन के आधार बन जाए, ऐसी कामना करता हूं, उम्मीद करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप साथ देंगे। मैंने कहा भी था, हम कोई वैद्य हकीम डॉक्टर नहीं है, गुरु का सिद्धांत, मार्गदर्शन और उनकी पुण्य की भक्ति की निधि हमारे काम आएगी, जिसके आधार पर हम समाज का निर्माण और परिवार का निर्माण कर सकेंगे। मेरे से अकेले नहीं होगा, हम सब मिलकर के करेंगे तो होगा। आओ साथ दो, साथ चलो, विश्वास कर सकें। चार व्यक्ति मिलकर के चले हैं, परिवार तो इतना बड़ा है, आओ और जुड़ो और जुड़ो। जिनको दवाई दी गई है, क्या खा करके हजम करके बैठोगे या साथ दोगे? जैसे उस बच्चे के लिए मैंने कहा, उसमें एक अंदर से जिज्ञासा जग गई, मैं ये कर दूंगा, तो आप में भी जगनी चाहिए, तभी इसका विस्तार होगा। हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, एक एक दिन जिंदगी का कम हो रहा है, मृत्यु की तरफ को बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा तो कर जाएं कि जिससे प्रकृति का संतुलन, समाज का संतुलन, परिवारों का संतुलन दोबारा से बन सके। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं, कल के लिए फिर आऊंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।